कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, राइट? आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं सर, हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, अच्छा देख नहीं पा रहे कि ये नाम है, ठीक है? अब बात करते हैं इस फंडे की, कि फंडा काम करता है कैसे है, ठीक? ठीक है, ये फंडा काम करता है, जो पूरा प्रोसेस है ना, सॉरी आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सेशन की, क्योंकि मुझे मेरे सर ने बोला कि उनको मेरा रिकॉर्डिंग चाहिए कि कैसे सेशन लेता हूँ, अदरवाइज आज से 9 सेशन में मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं की और नहीं प्रेफर करता रिकॉर्डिंग करना, बट ही टोल्ड कि नहीं मुझे रिकॉर्डिंग सुनना है, तो मैं थोड़ा सा समझदार, अब अगल आई ना कि वहाँ रहता हूँ तो आवाज साफ आएगी, ठीक है? ओके, सो मुद्दा ये है कि पूरा प्रोसेस है क्या, ये जो सर आपने डायग्राम्स बना रखे हैं, आपने चार्ट्स बना रखे हैं, एरोज बना रखे हैं, दो चार लोगों को चमका रखा है, ये रहा, ये पता नहीं क्या है, ये सब चीजें क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल, अतुल ग्रोवर ने अमेजोन पे ऑर्डर किया, ठीक है, और मेरा प्रोडक्ट आया गलत, ठीक है, वो वाला नहीं, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट आया गलत, मैंने अमेजोन कस्टमर केयर पे कॉल किया और बोला कि मैडम मैंने एक ऑर्डर किया था, ये ऑर्डर तो गलत है, मुझे रिफंड करना, मुझे रिफंड के पैसे वापस चाहिए, ठीक? सिंपल एग्जाम्पल, मैंने कॉल किया ममता को, ममता ने कॉल उठाया, ममता ने बोला सर ठीक है आपका रिफंड 4 दिन में आ जाएगा, क्लियर बात? बीइंग ए यूजर, बीइंग ए एंड यूजर, मेरा मकसद क्या है, मेरा पैसा अकाउंट में वापस आना चाहिए, मुझे नहीं पता पीछे वो आग लगाए क्या कर रहे हैं, मुझे मेरा पैसा 4 दिन में मेरे अकाउंट में चाहिए, सिंपल है ना? ये कभी जाके पूछा रहे अमेजोन वाले बताओ तो कैसे काम कर रहे हो पीछे, वो ऐसे काम कर रहे हैं पीछे। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं वो कैसे काम करते हैं। जब अतुल ग्रोवर ने कॉल किया ममता को अमेजोन पे, तो ममता ने एक टिकट रेस किया, एक रिकॉर्ड जनरेट किया मेरे नाम पे, यूजर अतुल ग्रोवर, प्रोडक्ट ये था इनका, इन्होंने रिफंड किया है, इनका पैसा नहीं आया, इनको पैसा वापस चाहिए, वो टिकट जाता है पीछे वाली टीम के पास, सॉरी एक और टीम के पास, इसे कहते हैं सर्विस डेस्क। ये लोग क्या करते हैं, टिकट देखते हैं, अच्छा अतुल ग्रोवर, पहले देखिए अतुल ग्रोवर नाम का कोई अकाउंट भी है कि नहीं है, कहीं किसी झूठ बोल के अकाउंट को रिसीव कर दिया, देखा, अच्छा फिर देखेंगे, अच्छा भाई इसने ऑर्डर किया था, प्रोडक्ट नंबर ये था, डेट ये थी, अमाउंट ये था, ये वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये जो है ना रन बिजनेस वो लिए, इनके लॉजिक्स हैं कि इनको क्या क्या चेक करने के लिए बोला जाता है। इसमें टर्म आते हैं SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। पता है मेरा जो ये टॉपिक है ना, ये सबके लिए चलता है, अपन ओमनी प्रेजेंट वाले हैं, भगवान अपन यहाँ पर, आर्ट्स वाले भी चलेंगे, कॉमर्स वाले भी चलेंगे यहाँ, क्योंकि फंडा तो सेम ही है, ठीक है? इनका होता है SLA। SLA क्या होता है कि SLA आपका यहाँ पर है, अगर आपने 3 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं किया तो आपको री अटेम्प्ट करना पड़ेगा पूरा सेमेस्टर, 3 अटेम्प्ट मतलब कि अगले 3 महीने, दैट इज SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। कॉलेज ने बोला 6 महीने का सेमेस्टर होता है, हमें 4 महीने में सेमेस्टर खत्म करना है, 1 महीने में एग्जाम होंगे, 1 महीने का रिवीजन होगा, उसके बाद सॉरी 1 महीने में प्री होंगे, फिर रिवीजन होगा, फाइनल एग्जाम्स होंगे, दैट इज देयर SLA। सेम उसका भी SLA था यहाँ पे कि 4 दिन में अतुल ग्रोवर के अकाउंट में पैसा वापस जाना चाहिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसने आगे बात करनी शुरू करी, उसने मेल भेजा, उसने बात करी, सर्विस ने बात करी उठा के फाइनेंस वाले से, पहले उसने सेल्स वाले से बात की, अरे सेल हुआ था, हाँ हुआ था, कितना है अमाउंट, इतना है, अच्छा कोई कूपन कोड तो नहीं है, नहीं है, ठीक है ओके, उसने फाइनेंस को भेजा, कोई कूपन कोड नहीं है, इतना प्राइस था, इतना उसने पे किया था, इस अकाउंट से पे किया था, वापस भेज दिया, और वो सब चीज़ें करते हैं, फाइनली आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द सर्विस मैनेजमेंट। पूरे प्रोसेस को रन करने के लिए जो मैनेजमेंट किया गया था, इसको बोलते हैं सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है? अब देखो एग्जांपल हो गया क्लियर, प्लेसिंग ग्रुप मतलब कि जैसे फाइनेंस को चेक कर रहे हैं या मार्केटिंग को चेक कर रहे हैं, सेल्स को चेक कर रहे हैं, वो सब ग्रुप्स हैं यहाँ पे मेरे लिए, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, ठीक है? तो वो चीज क्लियर हुआ यहाँ तक फंडा? लो मैडम ने एक चीज और क्लियर कर दी, ठीक है? अरे मिल जाएगा ये, मैडम इनको स्लाइड्स भेज देना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस पे फोटो खींचेंगे और देखेंगे कभी नहीं। मेरे पास कम से कम 10 से 12 GB की फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, जो आज तक कभी दोबारा खोल के देखी नहीं गई, गारंटी से कह रहा हूँ,
और आपके पास उससे ज्यादा ही होंगे। आपके टाइम में तो स्मार्टफोन अच्छे हैं, मेरे टाइम में तो स्मार्टफोन मांगना पड़ता था कि सर दे दे यार फोटो खींचनी है, फिर वो देगा उसको फ्लॉपी में डालो, फिर घर लेके जाओ, फिर लैपटॉप में डालो, फिर डेस्कटॉप में डालो, फिर उसका बैकअप बना के रखो दो चार जगह। तब तो अकल था कि इसको मेल पर डाल दो तो कभी गुमी नहीं होंगी चीज़ें, अकल नहीं थी। लेकिन आपके टाइम में बहुत चीज़ें हैं। तो मैडम ने कहा कि अभी ये सेम प्रोफाइल के लिए आप लोग अपीयर होंगे सर्विस डेस्क, ठीक है। आई कैन स्टिल स्किप माई नेक्स्ट टॉपिक्स, उसमें कुछ नहीं, लेकिन मैं इसका ज्ञान आपको बांट के जाता हूँ। पर मेरी एक शर्त है, आपको यहाँ से तो सोचना है, लेकिन सिर्फ यही पे नहीं सोचना, इसको ओपन करके सोचो कि और क्या क्या केस हो सकते हैं। पहली बात, सर्वे डेस्क का मतलब क्या होता है? वो लोग जो सबसे पहले, हाँ, सर्वे डेस्क का मतलब बीपीओ नहीं होता, वेरी क्लियर, बीपीओ नहीं होता सर्वे डेस्क का मतलब। सर्वे डेस्क में वो लोग होते हैं जिनके पास पहले कॉल आता है, और आप लोग सर्वे डेस्क हैं, आप एजेंट नहीं होते। पहली बात, आप एग्जीक्यूटिव होते हैं। आई हेट वर्ड एजेंट, एजेंट मतलब थर्ड क्लास बंदे हो गए यार, तू तो एजेंट है। एजेंट डिफरेंट मीनिंग्स में भी जाता है, दलाल टाइप्स में नहीं। फॉर मी द पर्सन विद हुम आई एम वर्किंग एंड ही इज अ सर्वे डेस्क गाय, ही इज अ सर्वे डेस्क एग्जीक्यूटिव, नॉट अ एजेंट। आपके पास कोई गांव से या शहर से फोन नहीं आता, आपके पास आईटी में काम करने वाले लोगों से काम आता है। कॉल उठाते हैं, बोलते हैं आई हैव सम इशू इन माय लैपटॉप, कैन यू रेज अ टिकट फॉर मी। आप अंडरस्टैंड करते हैं वो बोलना क्या चाह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है मुझे, ठीक है। तो सर्वेडेस में सबसे पहले वो लोग आते हैं जो फ्रंट एंड होते हैं। मान लीजिए आपने फोन खरीदा अमेजोन से, फोन खराब हो गया, खराब आया, फोन उठाते ही आपने झाड़ना शुरू किया किसी को अमेजोन पे, कैसी सर्विस है तुम्हारी, फोन टूटा हुआ भेजते हो, ये फलाना ढिमकाना। अगर वहां से कोई प्यार से बोले, हेलो मैडम, हेलो सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई नो योर नेम एंड डिटेल्स सो दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड इट, फटाफट गुस्सा शांत हो जाता है। चिल्लाओगे, डेफिनेटली चिल्लाओगे, क्योंकि भाई आपने पैसे देने उसके, बट द वे ही रिप्रेजेंट और शी रिप्रेजेंट इज इसलिए सर्वे डेस्क के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दे ऑल आर द फ्रंट एंड वाले कस्टमर। सबसे पहले कस्टमर उन्हीं को फोन करके पूछता है, भैया क्या चल रहा है तुम्हारे सिस्टम में, मुझे चीज क्यों नहीं मिल रही, इसमें इश्यू क्यों आ रहा है। तो आपके पास वहां से कॉल आता है, कॉल आ सकता है, आपको ईमेल कर सकते हैं, उनका एक पोर्टल होता है, जैसे अमेजोन ऐप है, जैसे पोर्टल ओनली, उनका एक पोर्टल होता है जहां पर वो रिक्वेस्ट रेज करते हैं, चैट कर सकते हैं, ये सब चीजों से आपके पास रीच आउट करते हैं। दे विल से कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, आप देखोगे सर आज सर अपने लैपटॉप का नंबर बताइए, क्या नंबर है आपके लैपटॉप का, आप कहाँ से बात करें, इंडिया से या यूएस से, कौन से ऑफिस से, यूएस के, मान लीजिए यूएस में मेरे 5 ऑफिस हैं फिर स्कूल के, तो आप कौन से ऑफिस से बात कर रहे हैं सर, आपको इशू अभी आया है, पहले भी इशू आया था, कितनी बार इशू आ चुका है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा डिटेल दें। आप उसे डिटेल लेते हैं, मोर पोलाइटली वर्क कस्टमर विल बी मोर हैप्पी। डिटेल लेके आप देखते हैं कि क्या वो काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको आता होगा, आपको सिखाया जाएगा पीछे कि कस्टमर से बात कैसे करनी है, स्टैंडर्ड चलता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो मिस्टर एक्स वाई जेड, आई एम दिस कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, टेल मी। सो वो चीज़ें सब आपको सिखाई जाती है, उसके बाद आपके सारा काम फॉलो करते हैं, आप उस पर टिकट बनाएंगे, देखेंगे कि टिकट में जो लिखा है मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड द सर्विस डेस्क और इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लीज इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मोबाइल में लिख लो, कॉपी में क्या लिखोगे। आपको करना क्या है, आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ना है कि उसमें काम कैसे होता है। यही सर्वे डेस्क का पूरा काम है, यही काम है सर्वे डेस्क का पूरा, और कोई काम नहीं है। इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस उसमें लिखा होगा, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कब इंसिडेंट ओपन होता है, कब रिजॉल्व होता है, कब इन प्रोग्रेस होता है, सब चीजें आपको पढ़नी है। आई कैन अश्योर अगर आप ये वर्ड्स पे बोल दोगे ना सामने से, ही विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया इसको प्रोसेस तो पता है, पॉलिश तो मैं कर लूंगा, अब बटर पॉलिश, ब्लैक पॉलिश, ये उसकी मर्जी। क्लियर हो गया फंडा यहां तक? और आपका प्राइमरी काम भी यही है, आपको फोन दिया जाएगा, आपको डेस्कटॉप दिया जाएगा, आपके कान पे हेडफोन लगा रहेगा, रिंग बजेगा, आपको उठा के बात करनी है, उसका इश्यू रिकॉर्ड करना, उसको रिजॉल्व करना, दैट इज योर वर्क।
and for the deep dive, please go through that incident management process and the survey desk function. Service desk is not a process, survey desk is a function. ठीक है? अगर कोई पूछे ये terms किसने बताया, बोलना these are the terms coming from the term called ITIL. Again, I'm repeating. हम अगली slide में इसको देखते हैं, बोला. ठीक है? ये सर्विस मैनेजमेंट में ITIL के अंदर सर्विस डेस्क इज अ फंक्शन, इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ प्रोसेस. ठीक है जी, अगर ऑफर मिल जाए मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर देना, सर ऑफर मिल गया और क्या क्या पूछा ये भी बता देना. मतलब ये करना कि इसको यूट्यूब पे पढ़ो, साइट्स पे पढ़ो, डॉक्यूमेंट्स पे, बहुत बहुत इजी है, ये नहीं कि बहुत टफ है. पढ़ो और लिखो क्या क्या बताया जा रहा है उसमें. अगर मुझे पता था कि कुछ ऐसा है तो मैं उसी का स्लाइड बना के लेके आता. ठीक है, बट बाय दिस वे यू विल गेट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि काम हो कैसे रहा है. ये वर्ड याद कर लो, SLA होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ईमेल होता है, चैट होता है, दीज आर द इनपुट्स, बट डिटेल दी डाइविंग शुड बी डन बाय यू गाइस. ITIL, ITSM, सर्वे डेस्क फंक्शन एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है जी, ऑल क्लियर यहां पर? पक्का? इस पूरे स्लाइड्स में से हम सिर्फ ये मेन पढ़ेंगे, सर्विस और सर्विस मैनेजमेंट, उसके बाद तो सब. आई हैव मोर देन 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ITIL, ITSM. अगर मैं थोड़ा सा अपनी वर्क प्रोफाइल बताऊं, सो आई एम द वन हु राइट द डॉक्यूमेंट्स फॉर यू गाइस, कि भैया जब कॉल आएगा तो मैं कैसे बोलना है, क्या लिखना है, क्या पूछना है. आई राइट दीज थिंग्स इन द पेपर. So I implement ITIL, ITSM. Clear? ठीक है? Okay. हाँ, बस एक दो स्लाइड्स हैं, उसके बाद तो मजेदार स्लाइड हैं. ठीक है? बोर तो नहीं हो रहा कोई? अरे प्लीज यार, मैडम ने जो बोला है वो बताया मैंने, पढ़ लेना, प्ले सो जाना. This is for your benefit only. हाँ. टर्म्स ITIL क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट कैसे काम करता है, कौन कौन सी स्टेज होती हैं, सर्वे डेस्क क्या होता है, सर्वे डेस्क कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें. मैं डेढ़ दो घंटे में आपको पूरा ज्ञान नहीं बांट सकता अपने 12 साल का. आई कैन जस्ट गिव द टिप्स कि भाई ये चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू में चीज़ें बताई हैं और मेरे से पूछा गया है व्हाट इज द इंसिडेंट, तो वो सब चीज़ें. ठीक है, सर्विस क्या है मेनली, इंग्लिश मत पढ़ो, हिंदी में बताओ सर्विस क्या होती है. Thank you.
सर जोमेटो और स्विगी कौन यूज करता है, कौन कौन यूज करता है? अरे हाथ सा भी करेंगे लोग तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो फीडबैक दिया बाद में, दिया कि नहीं दिया? कैसे लगता है फीडबैक देना, मजेदार नहीं ये? बिना मजे के ऐसे टाइम पास है, ठीक है। तो जो मेरा फंड है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, काफी बच्चे हैं तो हम तीन ग्रुप्स में ग्रुप फोटो लेंगे। आपको मैं स्टिकी नोट्स दूंगा, पेन है सबके पास, पेन यहाँ पे, और आपको फीडबैक लेंगे स्टिकी नोट के ऊपर। चिपकाओगे कहाँ है? मेरी डायरी है उसमें आप चिपका सकते हैं रैंडम। सेकंड पॉइंट, अगर किसी को डायरी में फीडबैक लिखना है लिख सकता है, तो जाइएगा मत, मेरी गलतियां निकालने का सुनहरा मौका आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर्विस की। अगर मैं इन शॉर्ट और लेमन लैंग्वेज में बात करूं, सर्विस का मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू जो मैं अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें उसकी कोई ऑनरशिप नहीं है, उसका कोई रिस्क भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके पॉइंट इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर सर्विस दे रहा हूं, बट आई एम नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट टू योर कॉलेज और चाणक्य फाउंडेशन, सिंपल, बट आई एम गिविंग सर्विस। माई इंटेंशन दैट आई वॉन्ट टू पास माई वैल्यूज टू यू गाइज विदाउट ऑनरशिप। क्या आपकी जिम्मेदारी मुझे यहां से पुणे भेजना? क्या आपकी जिम्मेदारी मेरी टिकट बुक कराना? क्या आपकी जिम्मेदारी मुझे रस्ते में कुछ है कुछ सही करना? आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपको वो ज्ञान देना जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, दो घंटे तीन घंटे मुझे आपको ज्ञान बांटना और यहाँ से निकल जाना, ठीक है। ये वर्ड ये चीज भी पढ़ लेना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बोलने के लिए, क्योंकि ITSM जो ये है ना, ये एस सर्विस को भी बिलोंग करता है। आईटी की सभी सर्विस को मैनेज करने का काम इज कॉल्ड द ITSM, द वे द थिंग्स हैज बीन मैनेज, नॉट थिंग्स, सर्विस हैज बीन मैनेज्ड इज कॉल्ड द ITSM। सिंपल इंग्लिश वर्ड जो स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसमें ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ये नेट पे आपको एज इट इज ही मिलेगा। Service is a means of delivering value to the customer by facilitating outcomes customer want. आपको बोला गया कि भाई आज कोई अतुल ग्रोवर आएगा यहाँ पे लेक्चर देने के लिए, उसका लेक्चर होगा नई टेक्नोलॉजी के बारे में, आपके माइंड में आउटकम सेट हो गया कि मुझे कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। जब आप फीडबैक देंगे आप एनालाइज करना कि जो मुझे बोला गया वो मुझे मिला कि नहीं मिला, ठीक है। नंबर वन, टू अचीव विदाउट द ऑनरशिप ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट एंड द रिस्क। मुझे यहाँ बुलाना, रहना, खाना पिलाना ना ही आपकी जिम्मेदारी है, ना ही चाणक्य की जिम्मेदारी है, ना ही कॉलेज की जिम्मेदारी है, इट्स माय ओनरशिप। आई एश्योर माई सेल्फ, आई पुट माई इंश्योरेंस वाइल ट्रेवलिंग ऑन द बस, कि मुझे कुछ होता है मेरे घर वालों को कुछ मिलना चाहिए, उसमें आपकी कोई ओनरशिप नहीं है, आपका कोई रिस्क नहीं है, हाँ ना? अरे हाँ ना तो बोलो। आपने मोबाइल फोन लिया, ठीक है, उसमें अपडेट्स लेके आना, उसको नए नए फीचर्स उसमें डालना, वो किसकी जिम्मेदारी है, आपकी या कंपनी की? क्या आपकी जिम्मेदारी कंपनी का प्लांट सही चलना चाहिए, आया ना? नहीं ना। चाइना में कोरोना वायरस चल रहा है जिसकी वजह से आईफोन का प्रोडक्शन बंद हो गया, किसकी जिम्मेदारी है? मैं तो नहीं है, मैं तो कस्टमर, मेरे को तो आईफोन चाहिए, बट मेरी जिम्मेदारी है उस प्रोडक्शन को शुरू करना है, बंद करना है, कब करना है, that is company ownership। तो ये चीजें यहाँ पर आती हैं। Standard word, values the most important term in this services। Values, ये phone तभी value दे रहा है जब इसमें आप call ले सकते हैं, call बंद कर सकते हैं, SMS, इसकी कोई main functionality है, call और SMS, तीसरी functionality तो उन्होंने बनाई है इसके ऊपर, जो पुराने Nokia के जमाने के टाइम फोन आते थे बटनों वाले, उसमें क्या होता था, call receive कर लो, SMS भेज लो, that is a basic functionality, that is a value for you, but now they enhance, isme wifi bhi chala lo, isme net bhi chala lo, isme facebook chala lo, isme sab kuch chala, so they are giving you the values without asking your ownership, without taking ki bhai aap iski zimmedar ho, isme kuch kharab ho gaya, ha phone ko kharab aap niche gir diya to zimmedari aapki, helmet nahi pehnoge to
जिम्मेदारी आपकी। तो ये पूरा निचोड़ है इसको लेके जाने के लिए। तो सर्विस मैनेजमेंट क्या कहता है, इट इज ए सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटीज फॉर प्रोवाइडिंग ए वैल्यू टू द कस्टमर। ट्रैफिक रूल्स सुने किसी ने? ट्रैफिक रूल्स होते हैं क्या? होता है ट्रैफिक रूल्स? तो अभी 5 ट्रैफिक रूल बताओ जरा मुझे जोर से। यही 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 से कंसेप्ट है ये सारा। नंबर वन, हेलमेट पहन के चलो, सील बेल्ट लगा के चलो, लेफ्ट साइड से ओवरटेक मत करो, राइट हाँ हॉर्न बजा के ओवरटेक करो, राइट से करो, आमने सामने निकलो, डीपर देके निकलो। दीज आर ट्रैफिक रूल्स। ये क्या है? रूल्स नहीं है, दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये प्लेस पर इसलिए हम जिंदा है यहाँ पर। अगर सिग्नल हटा दो तो कोई गाड़ी यहाँ से लगे, कोई यहाँ से लगा, टक्कर लगे तो दोनों मरे। सो दे आर द स्पेशलाइज कैपेबिलिटी, जिन्होंने इनको बनाया दे आर द स्पेशलाइज। क्या ट्रैफिक पुलिस वाला हॉस्पिटल की पॉलिसी बना सकता है, ब्लड डोनेशन के लिए बना सकता है? उसको नहीं पता। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया स्पेशलाइज कैपेबिलिटीज फॉर प्रोवाइडिंग ए वैल्यू टू द कस्टमर। ट्रैफिक रूल फॉलो करोगे, जैम कम मिलेगा, फाइन नहीं होगा, जिंदगी सुरक्षित रहेगी। क्लियर? और कोई डाउट? बस आगे दोनों नहीं पढ़ेंगे। ओके, छोड़ो उसको भी, चलते आगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। हाँ, ये मेन मुद्दा है, ठीक है? और मैक्सिमम आधा घंटा मिलेगा ना? ठीक है, चलो आधा घंटा मिलेगा। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नाश्ते में मैंने समोसा खाया था, पता है रोल सा क्या था यार? दाल का कुछ रोल बना हुआ था, टू टेस्टी। क्या नाम उसका, क्या कहते हैं? वो दाल वाला नहीं, जो लंबा सा रहता है, जैसे स्प्रिंग रोल टाइप से रहता है, जो बहुत बढ़िया था। मतलब मजा आया इसको खा के, गरम गरम तो मजा आया। बांध नहीं, बांध के मत देना मुझे। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो आईटी ऐसा हमने देखा, होता क्या क्या मेनली क्या क्या होता और आपका इंसिडेंट मैनेजमेंट किस कैटेगरी में या किस साइकिल में या किस फेज में आता है? ठीक है, क्वेश्चन टू यू गाइस एंड देन वी बायफर्केट। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिया था जब मैं बारामती गया था अभी जनवरी में एक इलेक्शन के लिए। आपके घर, अच्छा किसी घर में शादी हुई है क्या अभी लेटेस्ट? किसी के भाई बहन की, चाचा चाची में से किसी की, किसी की लेटेस्ट शादी हुई 2 महीने 1 महीने 3 महीने पहले यार? हाँ, शाबाश, खड़े हो जाइए। बिकॉज सुनना, इनकी बातों को सुनना ध्यान से, देन वी विल यूज दिस अवर आई टी एस। ठीक है, आप उसको आगे आ जाओ। आपको ये बताना है कि शादी की तैयारी शुरू से लेके आखिर तक, मतलब लड़की देखने से लेके लड़की घर लाने तक, मतलब आपके घर में भाभी आ रही है, सीधी सी बात है, उनके जैसा कुछ का माहौल रहता है, ठीक है? लड़की देखने से लेके लड़के को घर लाने तक क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, क्या क्या चीजें सोची जाती है, उनका ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचना। और सुनना है कि पॉइंट, सिर्फ पॉइंट बोले, डिटेल नहीं, सिर्फ पॉइंट बोलिए। पहले तो लड़की देखने जाएंगे, ठीक है, लड़की सूटेबल है अपने घर के लिए, ठीक है, लड़की कहाँ की है। वेट 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 वेट, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे आगे, इसलिए आपको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? लड़की कहाँ की है, देन अगर लड़की पसंद आती है तो उनके फैमिली से बोलेंगे, ठीक है, उनकी फैमिली एक्सेप्ट करती है हमारे को, हो गया, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो। सुनो सुनो, ओके, ठीक है, देन शादी का वेन्यू डिसाइड होगा। वेरी गुड, अब पॉइंट्स की बात आ रही है। अगर टाइम कम हो शादी में और जो भी डिसाइड, हाँ, तो एक साथ हो जाएगा। देन वेन्यू डिसाइड होगा, वेन्यू इनविटेशंस भेजे जाएंगे। यस, बजट क्या होगा एक्चुअल फैमिली का? यस, शॉपिंग, शॉपिंग हो गया, और इसके बाद वेन्यू, वेन्यू हो गया, अब शादी वाला दिन आ गया। लिसन लिसन लिसन, ये शादी वाला दिन है, ये आप लोगों की प्रोफाइल से
दिन आया था, शादी वाले दिन में सुबह हल्दी हुई, पूरा रिसेप्शन हो गया, विदाई हो गई और हामी घर आ गए। लिसन, ये हुआ इनका एक शादी में करने वाला काम। 12-15 पॉइंट उन्होंने बताए। कल अगर इनके घर में इनकी शादी है या इनके घर में इनकी किसी और भाई या बहन की शादी है, तो ये क्या करेंगे, जो शादी अभी की इन्होंने उसको ओपन करके देखेंगे, भाई क्या क्या खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ हमने कितना खर्चा किया, किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया, कौन सी जगह ली, कौन सी जगह नहीं ली, राइट। समझ आए यहाँ पर? थैंक यू। ठीक है, अब ये बात देखते हैं कि हमारे आईटी में कहाँ फिट बैठ, या आईटी छोड़ो, हमारे आईटी एसएम में कहाँ फिट बैठ। ये पिक्चर में बहुत कुछ होता है। एक पिक्चर ने मेरे घर में लड़ाई करवा दी थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो भी डिस्कशन हमारा हुआ, 15 पॉइंट हमने डिस्कस किए, ध्यान से सुनना, उनको एक पांचों में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। उनको ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उन्होंने बताया, वो देखने लगे कि भाई मेरा बताया हुआ कहाँ फिट हो रहा है, क्लियर। और ये आपको देखने की कहाँ कहाँ चीजें फिट हो रही है। ITIL में टोटल 5 फेजेस होते हैं, हम 5 लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे ITIL कौन सा वर्जन आप बता रहे हो, बोलना V3, V4 भी मार्केट में, लेकिन आपको V3 बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ITIL में आता है स्ट्रेटजी, फिर आता है डिजाइन, फिर आता है ट्रांजिशन, फिर आता है ऑपरेशन, और फिर लास्ट में आता है आपका इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब जो इन्होंने 5 पॉइंट, जो 15 पॉइंट बताए, यहां पर बांटते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्ट्रेटजी कि इन्होंने अपने भैया की शादी करनी है, नंबर 1, ठीक है। कितना पैसा लगेगा, 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 30 लाख, वो लड़की कहाँ की होगी, लड़की कैसी होगी, क्वालिफिकेशन सब उसमें, मायने चीज उसमें आ गई, ठीक है, ठीक है। शादी कब तक करनी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब जैसे आप बच्चे पढ़ रहे होगा पेरेंट्स को शादी करते, नहीं नहीं अभी 2 साल हैं, शादी कब करनी है, ये सब चीजें आती हैं आपकी स्ट्रेटजी में। आप बनाते हैं, सोचते हैं कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, 2 साल के बाद शादी करनी है, 50 लाख लगेगा, लड़का कम से कम IPS होना चाहिए, नहीं तो IAS होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद इतने बीघा जमीन होनी चाहिए, अपना खेत होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, मुझे इसी कास्ट में ही शादी करनी है। दीज आर कॉल्ड द स्ट्रेटजीज। मुझे बिजनेस ओपन करना, मैं ऐसे नहीं करता आज पापा से पहले बिजनेस ओपन करते, नहीं, मैं देखता हूं कि मुझे मार्केट में कहां पर क्या पैसा लगाना है, मुझे किस चीज में पैसा लगाना है। आज के टाइम में मोबाइल में पैसा लगाना बेवकूफी है। अगर मेरे से पूछो तो मैं अपने पर इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है मैं को जाके टेक्निकल कोर्स पूरा कर लूं, आई एम इन्वेस्टिंग ऑन माई सेल्फ। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए एक कोर्स पूरा करने के लिए, 6 महीने बाद मेरे पास 1.5 लाख होगा, मैं आज प्लान करूंगा, दैट इज माय स्ट्रेटजी। देन बिकम द डिजाइनिंग, सेकंड द डिजाइनिंग। होता क्या है, बजट फाइनल हो गया, लड़की फाइनल हो गई, भैया और भाभी का तो बातचीत शुरू, इन्विटेशन कितने देने हैं, वेन्यू कहाँ पर होगा, मेन्यू क्या होगा, शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं, उस सबको पैक किया जाता है बंडल। नॉर्मल सी बात है, मैं आप लोग अमरावती से हैं तो आपका टारगेट नागपुर पूना, कि भाई नागपुर या पूना से शॉपिंग करेंगे, इन्विटेशन कार्ड तो भैया बॉम्बे में बढ़िया जाते हैं, माशा पाएंगे, शादी मंगल कार्य में होनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा बैंकेट हॉल हो। यू आर डूइंग द फाइनलाइजिंग द थिंग्स नाउ, डिजाइनिंग पार्ट यहाँ पर है आप लोग, ठीक है। ये एग्जांपल लेने का पर्पज ये था कि आप लोग समझ सकें कि मेरा क्या है। यहाँ पर आपने पूरा किया कि मुझे 50 लाख लगाने हैं, मुझे कंप्यूटर्स का ही बिजनेस ओपन करना है, मुझे नागपुर में इसी जगह पर ओपन करना है, थिंग्स आर फाइनल। ट्रांजिशन, एक्चुअल काम शुरू हुआ शायद 2 महीने बाद है, आज मम्मी और दीदी गए सामान लेने के लिए, अरे हम गहने देख के आए हैं, हम ये देख के आए हैं, हम दूल्हे का ये देखा, हमने दुल्हन का ये देखा, उनके लिए ये लेना है, रिश्तेदारों के लिए ये लेना है, आपने चीजें खरीदनी शुरू करी, परचेजिंग, पैसा लगना शुरू हुआ आपका, राइट। वो होता है ट्रांजिशन।
जब विप्रो आईबीएम आपको हायर कर लेगी और बोलेगी आज से आपकी सर्विस इंडस्ट्री ट्रेनिंग शुरू है, तो आप यहाँ पर होंगे, आपको ट्रेंड किया जाए, ट्रांजिशन हो रहा है, मेरे जैसा कोई आपको नॉलेज देगा कि भाई ममता और तुम अगर तुम्हारे पास कोई कॉल आता है तो आपको ऐसे बात करनी है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स फॉलो करने हैं, ये सब ट्रांजिशन में रहता है। शादी का दिन आ गया, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन। इसमें बैकअप का कोई राजी नहीं है, ना लड़की मना कर सकती है, लड़का मना कर सकता है, ना वेन्यू वाला मना करेगा, ना हलवाई मना करेगा। शादी का दिन आ गया, सुबह 10 बजे हल्दी की रस्म शुरू हुई, मेहंदी लगी।